जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो फिर मैं वापस उसी टॉपिक पे बना रहा हूँ, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपके केवल व्यू लेना या आपको ये बताना कि जिनके रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं और रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं उनका क्या रीज़न है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि और जो रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं, अब जो रिजेक्शन लेटर जो मैं देख रहा हूँ वो और भी डेंजर वाले रिजेक्शन लेटर आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं बहुत खतरनाक खतरनाक वाले, तो उनके लिए भी वीडियो है। पहले मैं इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए कि SSGD ये जॉब आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा। तो एक कमेंट आया था कल भी मेरे पास में, और भी ऐसे कमेंट है। इस बंदे ने जो कमेंट किया था कि अगर मेरा SSGD में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मेरे दोस्तों अगर किसी का भी चाहे इसका नहीं, अगर किसी का भी अगर SSGD में आपको पता है कि 60,000 पोस्ट है और 90,000 कैंडिडेट, 1,00,000 के आसपास कैंडिडेट है, तो 40,000 के आसपास लोग रहने वाले हैं इसमें, 30,000 से 40,000 बंदे अनफिट होने वाले हैं, फाइनल मेट में रहने वाले हैं। तो आप अगर ऐसी आप सोच रखते हो तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। देखिए एक भर्ती की वजह से आप अपनी जीवन पूरा स्पॉइल नहीं कर सकते, किसी एक भर्ती के पीछे आप अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। जॉब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए गरीब स्थिति है, दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता ना वही मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, किस्मत में जो चीज़ें लिखी होती है ना वही मिलती है। तो ऐसी अगर आप सोच रखते हो बहुत ही ख़राब है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप अपनी ज़िंदगी को जैसे वो खान सर, उन्होंने एक बात बताई थी कि एक घोड़ा होता है उसकी तरह लीजिए, जब घोड़ा रेस के मैदान में दौड़ता है ना तो उसका जो मालिक होता है वो उसको बहुत बार बार चाबू मारता है, बहुत परेशान करता है, बहुत प्रताड़ित करता है, किस लिए? ताकि वो जीते ज़िंदगी में, तकलीफ किस लिए दे रहा है? ताकि वो जीते। तो उसी प्रकार अपना मालिक भगवान है, तो आज हमको कुछ परेशानी दे रही है, क्या पता आगे उसकी और कुछ बड़ी सोच है। ज़िंदगी या ऊपर वाला भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो देता है जो आपके लिए सही होता है, इस बात को आप मानिए। ज़रूरी नहीं कि वो देता है कि जो आप चाहते हो वो मिले, भगवान उसको वो देता है जो उसके लिए अच्छा हो, जो आप चाहते हो वो नहीं। तो ऐसी सोच ना रखे दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जिस भर्ती में मैं लगा था SSGD 2017 में, मेरा एक दोस्त था वो रह गया था इसी भर्ती में, फाइनल मेट में आके रह गया था, और अभी वो फर्स्ट ग्रेड का टीचर है और शायद लेक्चरार भी बनने वाला है, लेक्चरार बन जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही से भर्ती होता, उस समय उसको भी बहुत दुख हुआ था, बहुत परेशान है। उस समय मैं भी बोला था उसको कि कोई बात नहीं, क्या पता तेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। और भी तो आज सोचिए ना कि आज वो लेक्चरार है, गवर्नमेंट लेक्चरार है 3 साल बाद। तो इसीलिए जीवन, ज़िंदगी क्या पता आपको किस मोड पर लेके जाएगी, केवल रिजेक्शन से या इतना दुखी नहीं होना। पता है मुझे दुख होता है इस बात पे, मेरे को भी जब कोई रिजेक्शन लेटर का भेजता है या कोई कॉल करके बताता है, मेरा खुद का खून का पानी हो रहा है इस समय। कब? जब 2 दिन बाद में फाइनल रिजल्ट आने वाला है, पूरे उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, चाहे मेरे परिवार वाले हो चाहे आपके परिवार वाले हो, सबकी आस रहती है, उम्मीद रहती है। अब आपकी गलती मान लो, चाहे साइबर कैफे वाले की गलती मान लो, ये जो फॉर्म भरते समय आपकी जो गलतियाँ हुई है इसकी वजह से आपको ये सब कुछ आज भुगतना पड़ रहा है, ये बहुत ख़राब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि जिनके नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जिनके डिफरेंस है उसकी वजह से रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं, लेकिन अब जो रिजेक्शन लेटर मैंने देखे हैं, जिनके चाहे जनरल डिस्ट्रिक्ट हो उनको भी रिजेक्शन लेटर दे दिया। इस बार SSGD लगातार कंटिन्यू झटके पे झटके मार रही है, कल से आज तक फिर 15 रिजेक्शन लेटर, जिनके जनरल डिस्ट्रिक्ट है उनको भी रिजेक्शन लेटर आ गया है। पहले मैं सोच रहा था कि जिनके आरक्षण की वजह से रिजेक्शन लेटर हो रहा है, अब जिन्होंने मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने दूसरा डिस्ट्रिक्ट भर दिया और फिर फॉर्म जमा कराते समय आपके डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गए, तो अभी तक आपके रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं। मैं सोचा कि 8 और 5 तारीख को निकले, अब जो रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं वो 11 और 12 तारीख को निकले। तो जब फाइनल मेट आने वाली है 20 तारीख को, डेट आ रखी है फाइनल मेट की 20 तारीख को, तो आज तो फाइनल रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि आपके परिवार की भी उम्मीद रहती है, आपकी भी उम्मीद रहती है, लेकिन हताश नहीं होना ज़िंदगी में, कभी भी हताश नहीं होना। हताश होकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और इस प्रकार का कमेंट तो चलो कोई बात नहीं, करो चाहे नहीं करो, ऐसी सोच नहीं रखना कभी जीवन में। देखिए आप खुद सेफ हो, आप जिंदा हो तो कुछ भी कर सकते हो,
एक भर्ती कुछ नहीं कर सकती। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था 2 बार, 14 बार उससे पहले 14 बार इलेक्शन हारा था लगातार कंटिन्यू 14 बार, और सीधा राष्ट्रपति का इलेक्शन जीता था, वो उसका पहला इलेक्शन था जो वो जीता था, तो उससे पहले 14 बार हारा था। अगर वो पहले बार या दूसरी बार तीसरी बार में अगर ये सोच लेता कि मेरे से तो नहीं होगा, तो क्या वो कभी अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाता? किसी भी इंसान को आप देख लेना, ये आपकी ट्राई है, आप अपनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे। अब जिनके रिजेक्शन हुए उनकी तो बहुत अच्छी ट्राई है, अब उनके रिजेक्शन हो गए फॉर्म भरने की गलती की वजह से, तो चिंतित ना होए, ना अपने परिवार को चिंता दीजिए। आप चिंतित हो गए, आपका परिवार आपसे दुगना चिंतित होगा, तो उससे मैं आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, मैं और ट्राई करूँगा, अगली बार लग जाऊँगा। ऐसे जीडी तो कोई तोप नहीं है, वो भी वैकेंसी आती है, आई रखिए वापस, ऐसे जीडी की भी आ रखिए। अगर आप ओवर एज हो गए तो टीचर की वैकेंसी है, और भी कई प्रकार की वैकेंसी हैं जो आती रहती है, तो आपको उदास निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं जो अब जो रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं उन पर, जो अब रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं वो मैंने बताया कि जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों के भी आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के आ गए, जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों आ गए। अब जिनके रोल नंबर मिस्टेक है वो भी मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारे रोल नंबर में 10 आगे लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दिया, क्या हमारा रिजेक्शन होगा? देखिए मैं तो शुरू से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि रिजेक्शन हो रहा हो आरक्षण की वजह से हो रहा, लेकिन ये जनरल वाला मामला देखिए पूरा हिल गया है सब का सिस्टम, क्योंकि कईयों की ऐसी गलतियाँ और की मैंने देखा है इस भर्ती में, बहुत सारे लोगों की मिस्टेक हो रही। तो अभी तक किसी रोल नंबर वाले का मैंने रिजेक्शन लेटर नहीं देखा है, और आई होप कि ना आए, और ना ही किसी के नाम जिनके फादर मदर के नाम में प्रॉब्लम है, या उनको तो, या खुद के नाम में भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उनको तो नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है। अब बात रही रिजेक्शन वाली, तो रिजेक्शन वाली आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई तब होंगे जब आप ज्वाइन करोगे, आपकी जो मार्कशीट है तब वेरीफाई होगी जब आप ज्वाइन करोगे, तब आप उसमें फॉर्म भरते समय सही से लिख देना, ताकि आपकी रिजेक्शन, एक बार ज्वाइन हो गया उसके बाद तो रिजेक्शन नहीं होगा, एनी फ्रॉड केस में ही होता है, तो आप वो लिख देना कि ये ऐसे ऐसी गलती हुई है इस प्रकार से, तो आई थिंक नहीं होगा फिर। लेकिन जो अब आज और मैंने कल में जो रिजेक्शन कल भी आए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज सुबह सुबह और फिर मेरे को कॉल आए, तो मैं खुद ही दुखी हो गया, तो मैं सोचा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सुन लो। पहली बात तो ये कि ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि एसएससी जीडी कोई तोप नहीं है कि इसके अगर आप इसमें नहीं लगते हो तो आपका जीवन ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने एक कल भी वीडियो बनाया था कि 125 करोड़ के देश में 30 से 35 लाख की फोर्स है, बाकी सब भी पेट भर रहे हैं, जीवन अच्छा जी रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई तोप नहीं है, ये नहीं कि आपकी गरीबी का माजरा, या हमारा ये हमारी सोच होती है कि बस जॉब मिल गई तो हमारी ये समस्याओं से भरा है जीवन, किसी ऐसा तो होता है क्या फिर जॉब लगी जिसकी कोई समस्या ही नहीं है? सभी की समस्या, सभी परेशान है इस दुनिया में, सभी एवरीवन सबको परेशान, अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है, और सही रास्ते पर ही चलना है। अगर समस्या है जीवन में इसका मतलब कि आप जीवन सही से जी रहे हो। अगर अंबानी के पास तो इतना पैसा है तो क्या उसको कोई समस्या नहीं है? अरे उनको भी नींद नहीं आती रातों में, हमको कम से कम चैन की नींद तो आती रात में। तो इसलिए इसको अगर आप फेल होते हो, अगर आपका बाई चांस ऐसे जीडी में सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना, खुद को मोटिवेट रखना और अपने परिवार को दुखी नहीं करना, क्योंकि आपका परिवार आपसे ज़्यादा कमज़ोर है इस समय, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा रखी। लेकिन अगर आपका नहीं आता तो उस समय आपको बी ए मैन, कि ब्रेव मैन की तरह, मतलब बहादुर की तरह आपको उस चीज़ को फेस भी करना है, और ये भी बोलना कि कोई बात नहीं अगली भर्ती में हम ट्राई करेंगे, देखते हैं। रोने नहीं लग जाना बच्चियों की तरह कि अरे यार मेरे तो नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी कोई ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी इससे, क्या पता भगवान ने आपके लिए और कुछ अच्छा सोच रखा हो, कुछ बड़ा सोच रखा हो। तो इसलिए चिंता नहीं करना दोस्तों, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, 1% भी डीमोटिवेट नहीं होना। और अगर मेरा फ़ोन अवेलेबल रहेगा तो उस दिन जितने भी मेरे दोस्त, अगर कहीं होगा जिनके नंबर नहीं आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे, मैं अगर अवेलेबल रहूँगा, अगर नेटवर्क एरिया में रहूँगा तो आप सभी से बात करूँगा, और लाइव आके भी बात करूँगा आप सभी से उस दिन ज़रूर, अगर मैं अवेलेबल रहा तो। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना और बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, कोई बात नहीं, ये हार जीत है, चलती रहती है, जीवन का पहलू है, आपने ट्राई की, अच्छी ट्राई थी आपकी, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं है, अगली भर्ती में और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना और लग जाओगे। मेरा खुद का छोटा भाई 2017 इसमें रहा था एसएससी जीडी में, और 2018 में राजस्थान पुलिस में ज्वाइन कर लिया, मेरा ही छोटा भाई है वो, मेरे साथ वाली इसमें रहा था और 2018 में राजस्थान पुलिस में ज्वाइन कर लिया। तो अगर वो उस समय हार मान जाता, लेकिन मुझे पता था वो रह गया तो उसकी तैयारी तो अच्छी है ना,
मेट में रहा कोई बात नहीं, अगले में लग जाएगा, लग गया। तो इसलिए चिंता, इतनी चिंता घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इसका मोटिव ये है कि जितने के पास भी रिजेक्शन लेटर आए हैं अभी, वो भी जो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो ज़रूर मेरे से कनेक्ट करें। जिनके रिजेक्शन लेटर आए उनकी क्या प्रोसेस है, वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में, अगर वो मतलब वहाँ कंट्रोल रूम में बात करें तो क्या हो रहा है, या आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो किस प्रकार की एडवाइस दे रहा है, या आप क्या कर रहे हो, आपको क्या आंसर मिल रहा है, इसके बारे में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैं कम रिप्लाई कर पा रहा हूँ उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो आप सीधी अपनी समस्याएँ लिखिए उसमें इंस्टाग्राम पे, ताकि मेरे को पता चले। आप हाय हेलो इस प्रकार का नहीं लिखे, सीधी आपकी प्रॉब्लम लिखना, और ज़्यादातर मेरे को वो मैसेज करना जिनके रिजेक्शन लेटर आ गए हैं, ताकि मैं देख सकूं और क्या उनका निदान हो सके, कितने कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनको रिजेक्शन लेटर आ गए। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, और अगर आपका रिजेक्शन लेटर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करिए, और देखता हूँ मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, देखिए क्या हो सकता है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ दो दिन से, लेकिन अच्छे से कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा हूँ इसका, कि कोई पॉजिटिव निष्कर्ष आए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा आपको। तब तक दोस्तों चिंता ना करें, ऊपर वाला है, सबकी सोचता, आपकी भी सोचेगा, हमारी सोची आपकी भी सोचेगा, सबको सोचता, ठीक है, उसको चिंता आपकी, आप चिंता ना लीजिए। और इस प्रकार के कमेंट बिल्कुल ही ना, कमेंट ना करिए, मतलब सोचिए ही ना बिल्कुल ऐसे। जय हिंद, जय भारत।